हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बम। तो ये हमारे आज का वीडियो प्रीवियस वीडियो का पार्ट टू है, जहां हमने अनसर्टेन का केस देखा था। आज हम अनसर्टेन का एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसे। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ विल इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। तो यहाँ पर सर्टेन की जगह आप लिख सकते हो अनसर्टेन, ठीक है, क्योंकि अगर सर्टेन होता तो हमें पता होता। हमारे लिए सर्टेन का मतलब क्या है, अगर हमें वो चीज़ दे रखी है। अनसर्टेन का मतलब क्या, हमें नहीं पता और हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ विल इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। हिंदी में अगर मैं इसका मीनिंग निकालूँ तो क्या है, एक सीधी लाइन में कुछ लोग बैठे हुए हैं और हर एडजेसेंट मतलब हर बराबर वाले के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, बराबर की दूरी है, और सब लोगों की जो मुख है या जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर की तरफ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, B sits fifth to the left of E। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, B sits fifth to the left of E। इसका मतलब क्या है, B और E के बीच में चार लोगों का गैप होगा और B E के लेफ्ट साइड की तरफ है, और बेसिकली सारे लोग यहाँ पर नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट लेफ्ट चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो हमारा एक्चुअल होता है। तो B is sitting fifth to the left of E, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट बन गया। Only two people sit between B and D, ठीक है, दो लोग बी और डी के बीच में बैठे हैं। तो इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे। तो पहली कंडीशन क्या होगी, बी और ई के बीच में चार लोग हैं और बी और डी के बीच में दो लोगों का गैप है, तो डी आपका इस तरफ आ सकता है, दो लोगों का गैप। और ये दो लोगों का गैप कहाँ पे फिल हो सकता है, ये दो लोगों का गैप इस तरफ भी फिल हो सकता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बन गई हमारी स्टेटमेंट नंबर टू की, ठीक है। आगे देखते हैं, डी सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। इसका मतलब क्या है, डी दोनों छोर से, हिंदी में बोलता हूँ आपके लिए दोनों छोर मतलब या तो लेफ्ट साइड के एंड से या राइट साइड के एंड से, दोनों में से किसी एक एंड से वो सेकंड प्लेस पर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर देखो, अगर डी की ये पोजीशन है तो ना तो डी इस तरफ से सेकंड एंड पर है, ना तो डी इस तरफ से सेकंड एंड पर है। इस तरफ से अगर मैं एंड करता भी हूँ तो डी थर्ड प्लेस पर है, और यहाँ से कौन से प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर। तो इसका मतलब क्या, ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब डी नीचे वाली कंडीशन में यहां से तो सेकंड एंड पर हो नहीं सकता, बट अगर इधर से लेता हूं तो ये कंडीशन बन जाएगी, और यहां पर क्या लग जाएगा, एक बैरियर, या फिर यहां पर आके लग जाएगी आपकी एक लाइन, क्योंकि ये आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन आपकी कट हो चुकी है, ठीक है, ओके। आगे क्या है, ओनली फाइव पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ। तो डी के लेफ्ट साइड की तरफ तो कोई नहीं होगा, तो डी के राइट साइड की तरफ और एफ के बीच में फाइव पीपल है। इसका मतलब देखो कैसे, 1 2 3 4 5, और इस प्लेस पर आ जाएगा कौन आपका, एफ आ जाएगा इस प्लेस पे, ठीक है। ठीक है, देन एस सिट्स एट टू द राइट ऑफ एफ। एस सिट्स एट टू द राइट ऑफ एफ, इसका मतलब एस कहां बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और एट पोजीशन पे है। क्या बोल रखा है, S sits eighth to the right of F। इसका मतलब क्या है, F और S के बीच में 7 लोगों का गैप होगा और eighth पोजीशन पर राइट साइड की तरफ F के S आएगा। आगे देखते हैं, As many people sit between E and S। इसका मतलब क्या है, जितने लोग E और S के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग, As many people sit between E and S, as between C and S। इसका मतलब क्या है, जितने लोग E और S के बीच में हैं उतने ही लोग C और S के बीच में होंगे। तो E और S के बीच में यहाँ पर कितने लोग हैं, 5, तो C और S के बीच में भी कितने लोग होंगे, 5, ठीक है। चलिए लास्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, ओनली टू पीपल सिट टू द राइट ऑफ C। तो C के राइट में सिर्फ दो लोग बैठे हैं, और दो लोग बैठे हैं इसका मतलब क्या है, ओनली टू पीपल सिट टू द राइट ऑफ D, इसका मतलब दो डैश, और इसका मतलब क्या है, फिर ये एंड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ओनली टू पीपल, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको एक बार देखिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, और इसको और अच्छे से समझना है तो पॉज कीजिए और पूरा क्वेश्चन खुद से करने का ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बेसिकली देखें तो हमारे सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कितने हुए, अनसर्टेन केस था तो सर्टेन कर लिया, मतलब हमने टोटल नंबर ऑफ पीपल फाइंड कर लिए। तो आइए यहाँ पर गिनते हैं कितने पीपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24. तो यहाँ पर इस लाइन में कितने लोग हैं? 24 नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन दिस रो या इन दिस लाइन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखते आइए. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए उसे. हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द लीनियर अरेंजमेंट. तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है, 24. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है. इफ जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, देन वॉट इज द पोजिशन ऑफ जी विद द राइट हैंड. ठीक है, क्या क्वेश्चन है, वापस एक बार मैं पढ़ता हूँ आपको हिंदी में. अगर जी एस के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर है तो बताइए जी की दाएं अंत से क्या स्थिति होगी. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं सॉल्यूशन में. इफ जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, इसका मतलब जी आपका इस पोजीशन पे आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, जी की स्थिति बताइए राइट हैंड की तरफ से. तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. तो राइट हैंड से जी की पोजीशन क्या हो गई, 7th फ्रॉम द राइट हैंड. क्या हो जाएगा ये, 7th फ्रॉम द राइट एंड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, एफ की पोजीशन ई के संदर्भ में क्या है. आइए सॉल्यूशन में देखते हैं, क्या पूछा है हमसे, एफ की पोजीशन ई के संदर्भ में क्या है. तो ये रही एफ की पोजीशन, ये रही ई की पोजीशन. तो एफ की पोजीशन ई के संदर्भ में क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी तरह का तो आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से. वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है हमारा, वहाँ पर हम डाउट्स देखेंगे, आपके डाउट्स होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे. बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके वहाँ भी डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और हमारा ये जो हमने जो पहल की है, बेसिकली रीजनिंग करा रहे हैं हम, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो भी टॉप लेवल की. ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम लेवल के साथ. ठीक है, तो बेसिकली मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा जो टारगेट रहेगा IBPS की रीजनिंग का. ठीक है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, 40 मार्क्स की रीजनिंग है. ठीक है, आपको 40 की रीजनिंग है, 40 की मैथ्स है. आपको टाइम कितना मिल रहा है, 45 मिनट. ठीक है, अगर आप हाफ में भी बांटते हो तो मैंने माना कि अगर 23 मिनट्स में रीजनिंग को देता हूँ, 22 मिनट्स में मैथ्स को देता हूँ. ठीक है, अगर आप अपनी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाए, तो अगर आप 35 क्वेश्चंस भी करते हो 23 मिनट में, जिसमें से अगर आपके 35 में से एक भी अगर चलो गलत होता है, तो 34 अगर करेक्ट है, तो आप श्योरली क्वालिफाई कर जाओगे प्री को. ठीक है, श्योरली. तो 35 क्वेश्चंस करेक्ट करने की गारंटी मैं लेता हूँ. उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस. ठीक है, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे करके जितनी जल्दी हो सकता है अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं. और बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है IBPS के लिए, 20 मार्क्स का पजल आएगा, 20 मार्क्स आउट ऑफ 40. तो अगर आपने पजल पर अच्छी कमांड बना ली, तो बाकी टॉपिक्स इतने डिफिकल्ट नहीं है जितना पजल है. पजल डिफिकल्ट नहीं है, बट पजल बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है एट टाइम्स. तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो 21 जुलाई से पहले उसकी रजिस्ट्रेशन है, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए. IBPS का जो ऑफिसर ग्रेड का पेपर है, काफ़ी अच्छा पे स्केल है उसका. आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप देख सकते हो जाके पे स्केल को, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो देखिए अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स कोई हो नहीं रहा कंप्यूटर एग्जाम्स में, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो गो फॉर इट और कोशिश कीजिए, हो जाएगा. प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आप अच्छे हो जाएंगे और उतने ज़्यादा आपके चांस हो जाएंगे प्री क्वालिफाई करने के. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन है वो प्री को ही क्वालिफाई करने का, उसके बाद तो सिर्फ कुछ परसेंट ही बच्चे बच जाते हैं, इनके संग आपको फाइट करना पड़ता है. बट प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरे जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, उनसे फाइट करना पड़ता है. बट मेंस में उतना नहीं रहता, मेंस में उसके सिर्फ आपके बेसिकली कोई एग्जाम्स डबल टाइम्स लेते हैं एस्पिरेंट्स, कोई थ्री टाइम्स लेते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कॉम्पिटिशन कम हो जाता है. बट प्री में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो आज हम लोगों ने अनसर्टिन का सेकेंड एग्जाम्पल किया. नेक्स्ट में हम लोग करेंगे पैरेलल रोज का. अभी हमारा लीनियर अरेंजमेंट में बाकी क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको. एक हमारा पैरेलल रोज का केस बाकी है, वो हम लोग या तो नेक्स्ट में कर लेंगे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में कर लेंगे. और आपका एक सिंगल लाइन या लीनियर अरेंजमेंट में आपका बाकी है नॉर्थ साउथ मिक्स. ठीक है, तो आई होप आपको अनसर्टेन के प्रीवियस वीडियो और आज के वीडियो दोनों अच्छे समझ में आया होगा.
प्रैक्टिस कीजिए जितने आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे कनेक्ट हुई हमारे संग, हम लोग आपको टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा हमारा जो है चैनल थोड़ा ग्रो करेगा, तो फिर हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है ना। आपको भी भला होगा, सबका भला होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू आज के लिए।